फ्रेंड्स, इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेबिट नोट्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की लास्ट डेट क्या होती है। taxseal.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आप जीएसटी एक्ट का सेक्शन 34 देखते हैं तो ये बताता है कि डेबिट नोट कब इशू किए जा सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 34 के अंतर्गत सब सेक्शन 3 दिया गया है जो कि यह कहता है वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ एंड द टैक्सेबल वैल्यू टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू टैक्स पेबल इंस्पेक्टर से सप्लाई द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाई सच गुड्स और सर्विस और बोर्ड शेल इशू टू द रिसिपियंट वन और मोर डेबिट नोट फॉर सप्लाईज मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे प्रिस्क्राइब्ड। इस प्रकार यदि जीएसटी कम चार्ज किया गया है या टैक्सेबल वैल्यू कम दिखाई गई थी तो डेबिट नोट इशू किया जा सकता है। मान लीजिए सप्लायर ने पहले तो जो इनवॉइस इशू की थी वो 12% की जीएसटी रेट लगा के इशू की थी, लेकिन बाद में पता लगता है कि उस पर 18% जीएसटी चार्ज करना था, तो 6% एक्स्ट्रा जीएसटी लगा के डेबिट नोट इशू किया जा सकता है। यह डेबिट नोट कब डिक्लेयर करना है इसके बारे में सब सेक्शन 4 में बताया गया है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशूज अ डेबिट नोट इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ सच डेबिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच डेबिट नोट हैज बीन इशूड and the tax liability shall be adjusted in the manner as may be prescribed। इस प्रकार जब यह डेबिट नोट इशू किया जाता है उस महीने के रिटर्न में यह दिखाया जाता है और डेबिट नोट में सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी आती है। डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट किस डेट तक लिया जा सकता है इसके लिए सेक्शन 16 में बताया गया है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को यदि आप प्रेफर करते हैं तो इसमें बताया गया है रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इंस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट पर्टेन्स और फर्निशिंग ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैसेज ए लिमिटेड डिलीवर्ड अ मशीन इन टू मैसेज बी लिमिटेड इन जनवरी 2019 अंडर इनवॉइस नंबर 180 डेटेड 21 जनवरी 2019 फॉर पीस 5 लाख प्लस जीएसटी एंड अंडरटूक ट्रायल रन्स एंड कैलिब्रेशंस ऑफ द सेम मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैसेज बी लिमिटेड द अमाउंट चार्जेबल फॉर द पास्ट डिलीवरी एक्टिविटीज वर कवर्ड इन अ डेबिट नोट रेज इन मे 2019 फॉर पीस 1,25,000 प्लस जीएसटी। मैसेज बी लिमिटेड डिड नॉट फाइल इट्स एनुअल रिटर्न टिल अक्टूबर 2019। फाइंड द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 64 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 विद इन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड बाय द बी लिमिटेड। इस प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इनवॉइस थी वो तो जनवरी 2019 में रेज की गई थी, लेकिन इस इनवॉइस से रिलेटेड जो डेबिट नोट था वो मे 2019 में रेज किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस केस में टाइम लिमिट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए इनवॉइस जो थी 21 जनवरी 2019 को रेज की गई है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट है 20 अक्टूबर 2019 तक इस इनवॉइस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। इस प्रकार आपको जो डेबिट नोट इस केस में इशू किया गया इस इनवॉइस रिलेटेड उसके लिए भी टाइम लिमिट 20 अक्टूबर 2019 ही है। हालांकि जो डेबिट नोट है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुआ है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, लेकिन ये उस इनवॉइस से रिलेटेड है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में इशू की गई है। इसलिए यहाँ पे टाइम लिमिट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए 5 लाख के ऊपर और 1,25,000 के ऊपर दोनों के लिए 20 अक्टूबर 2019 ही है, क्योंकि यहाँ पर GST 3 20 सितंबर 2019 के लिए आपको 20 अक्टूबर तक फाइल करनी है और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल 18-19 और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2019 ड्यू डेट। इस प्रकार आप डेबिट नोट के लिए भी जो ड्यू डेट देखेंगे वो इनवॉइस जिससे रिलेटेड के वो डेबिट नोट इशू किया गया है उसकी डेट से ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए टाइम लिमिट देखेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी
इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार फ्रेंड्स आप सेक्शन 34 में देखते हैं कि डेबिट नोट कभी भी रेज किया जा सकता है, उसको लिए रेज करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब भी ये पता लगता है कि टैक्स कम चार्ज किया गया है या फिर जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कम दिखाई गई है तो डेबिट नोट इशू किया जा सकता है सप्लायर के द्वारा ही। लेकिन इस डेबिट नोट पे जो इनपुट एज क्रेडिट है उसे लेने के लिए वही डेट है जो कि इनवॉइस से देखी जाएगी, जो कि इस डेबिट नोट से बिलोंग करती है। फ्रेंड्स अब आप मेरे चैनल सी ए सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स GST फाइनेंस इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर के लिए खुशी की खबर है कि अब आप इनकम टैक्स और GST को लाइव सीख सकते हैं। इसके लिए आपको unacademy.com/plus वेबसाइट पर जाकर सब्सक्रिप्शन लेनी है। आपको गोल में सी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। यदि आप रेफरल कोड सी एस सतबीर यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। यदि आप GST और इनकम टैक्स पर डेली अपडेट चाहते हैं, जजमेंट सर्कुलर, तो उस केस में आप हमारे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिससे कि आपको डेली ईमेल आपके मेल बॉक्स में मिलेगी। यदि आपके GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxheal@gmail.com पर। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सहील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।